हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर को होने वाला है डे नंबर वन। एंड लिटरली गाइस, मैं काफ़ी दिन से गायब था क्योंकि यार कुछ काफ़ी बड़ा इशू हो चुका था जो कि आप लोगों को ऑलरेडी यार पता चल गया होगा। तो गाइस, कुछ ऐसा सीन था कि मेरे चैनल के बेस में किसी और बंदे ने जो है ना पार्टनर प्रोग्राम पे इनरोल था एंड उसने जो है अपनी मेन आईडीज में हैक वगैरह लगाया था। तो पटेटो ने उस वीडियो डाला था एंड साथ में मेरे चैनल का लिंक डाल दिया था। तो मैं काफ़ी दिन से काफ़ी ज़्यादा आपसे परेशान था कि यार ऐसा कैसे हो गया। इवन वो आईडी का ऑनर तो मैं हूँ नहीं। जब मैंने यहाँ पे एलओएस के डिस्कॉर्ड सर्वर में डेव टीम से बात किया तब जाके मेरे को पता चला यार यहाँ पे स्काई राज नाम का कोई बंदा था जिसने ऑन द बेसिस ऑफ माय चैनल की कंटेंट पार्टनर प्रोग्राम पे इनरोल हुआ था। तो भाई मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया यार, सब मेरे को समझ रहे हैं कि वो मैं हूँ, बट एक्चुअली मैं गाइस वो मैं हूँ नहीं, क्योंकि मेरे जो दो मेन आईडीज हैं वो नेक्सस वाईटी एंड पहुंची वन नाम से, एंड उन्हीं से जो है ना मैं कोई भी गेम्स वगैरह खेलता हूँ। तो मैंने आगे बात वगैरह करा एंड उस बंदे को जो है ना पार्टनर प्रोग्राम से हटवाया। एंड अब जाके गाइस फाइनली अब मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री हूँ। काफ़ी मेरे को पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी यार कि कई चैनल्स वगैरह टर्मिनेट वगैरह ना कर दे, क्योंकि यार गेम वालों के पास अथॉरिटी होती है कि गेम वाले स्ट्राइक मार सकते हैं आप लोगों के चैनल्स को कि कोई हैक प्रमोट करे। तो वही था इशू गाइस, बट कोई नहीं, ये वीडियोस जो है वो पहले की है क्योंकि मैंने दो दिन सर्वर खेल दिया था एंड उसके बाद यार मैं खेलने नहीं आया था क्योंकि तीन चार दिन तक मैं वहाँ बात वगैरह कर रहा था। बट कोई नहीं गाइस, दो वीडियोस आएंगे उसके बाद जो है ना मैं नया सर्वर स्टार्ट करूंगा। बट यार यहाँ पे जो है ना अभी अपने को ग्रीन कार्ड ढूंढना था। ग्रीन कार्ड तो मेरे को यहाँ पे मिल चुका था, मैं यहाँ पे एबेंटेड में आया, एबेंटेड में मैं को लूट वगैरह तो मिल चुका है। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे वायर डाला, फटाफट से मैं जो है ना यहाँ पे देखता हूँ अपने को एसएमजी मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो यार अभी हमें एसएमजी ढूंढना है क्योंकि ऑलरेडी यार सर्वर काफ़ी ज़्यादा लेट है। तो ओके गाइज, यहाँ पे मेरे को एसएमजी वगैरह मिला एंड यहाँ पे मेरे को लेवल 2 का मास्क भी मिल चुका था। तो मैंने डिसाइड करा चलो अभी मिलिट्री जाना तो काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, अपन लोग ऐसे करते हैं ना मिलिट्री हम लोग बाद में जाएंगे, सबसे पहले अपन लोग चलते हैं बायो, बायो में देखेंगे, लेट्स सी, देखते हैं बायो में अपने को ब्लू कार्ड मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो यार फिर हम लोग ब्लू कार्ड का जुगाड़ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे से निकला, फटाफट से पहुँचा अबेंडेंट, लेवल 2 का मास्क तो यार मिल गया मेरे को। तो उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा एंड ग्रीन एंड पर्पल रूम है, तो चलो ठीक है यार यहाँ पे दो रूम है तो हम लोग एक रूम तो कर ही लेंगे जो कि ग्रीन वाला है। तो मैं फटाफट से गया, बट यार यहाँ पे मेरे पास वायर वगैरह नहीं था, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था यार वायर कहाँ से मिलेगा। बट यहाँ पे गाइस मेरे को जो है ना वायर वगैरह मिल गया था तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो यार चलो चलते हैं फटाफट से देखते हैं। वायर है मेरे पास, 20 वायर डालूंगा, आई थिंक इतने में तो काम बन ही जाएगा। वैसे ग्रीन रूम है तो अपने को टेंशन की कोई बात नहीं होगी, लूट होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। चलो यार फटाफट से ओपन करता हूँ, अपने को कार्ड तो यहाँ पे मिलता है बट यहाँ पे कार्ड है नहीं, लूट है। ओके गाइस, एमओ चेस्ट तो है, तो चलो यार फटाफट से हम लोग एमओ चेस्ट देखते हैं। एसएमजी यहाँ से मिलेगा, वहाँ से तो अपने को एसएमजी नहीं मिला था। लेट्स गो गाइस, फाइनली अपने को एसएमजी मिल गया। अभी यार अपने को स्पेयर्स वगैरह करने हैं एसएमजी लर्न करने के लिए। तो यार काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट आती है कि भाई ऑफिशियल सर्वर्स वगैरह खेल। तो यार अभी बीच में जो है ना मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ गया था यार, नए वाले टैलेंट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इवन मेरे वाले दोनों में से किसी भी आईडी में जो है ना गाइस बिल्कुल भी टैलेंट पॉइंट्स वगैरह है नहीं, एंड यार बंदे जो है ना दो तीन बुलेट्स में जो है ना बंदे को नॉक एंड फिनिश। मैंने कहा यार ये टैलेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है, अब क्या करेगा इस ये नया टैलेंट सिस्टम जो है ना वो बहुत ही गंदी चीज़ है। तो उसके बाद यार मैं यहाँ पे से बायो से निकला, मैंने डिसाइड करा अपने घोड़े के लिए यार थोड़ा सा सामान वगैरह कलेक्ट करता हूँ। तो सारा सामान तो इजीली मिल जाता है बट ये बोर नहीं मिलता है, क्योंकि पेट फूड बनाने के लिए अपने को बोर की ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यहाँ पे से मैं बोर वगैरह कलेक्ट करता हूँ, एक अपने के लिए एक अपने टीममेट के लिए। तो उसके बाद यार यहाँ पे से हम लोग निकले फटाफट से एंड यहाँ पे मैं पहुँचा गैस स्टेशन में। तो मैंने डिसाइड करा यार थोड़ा सा जो है ना मैं तेल वगैरह फार्म करता हूँ, एंड तेल वगैरह फार्म करने के बाद अपने पास इतना तेल तो हो जाएगा कि अपने के लिए हम लोग जो है ना कम से कम दो कैंप फायर वगैरह बना सके। तो मैंने कहा इस यहाँ पे फटाफट से सारे का सारा तेल फार्म किया। वैसे मेरे को यहाँ पे से आवाज़ आने लगी थी कि बंदे फाइट वगैरह कर रहे हैं पिस्टल से,
तो मैंने कहा यार यहाँ पे काफी ज्यादा बंदे, अपने टीममेट को बुलाया। अपने टीममेट ने बोला भाई तू टेंशन मत कर, मैं आ रहा हूँ एंड हम लोग उसको मारेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं जो है ना यहाँ पे तेल वगैरह फार्म करता हूँ। तो उसके बाद यार यहाँ पे मेरे को दिखा, मैंने कहा यार एक बार ही चेकआउट कर लेता, क्या पता ग्रीन कार्ड मिल जाए। बट यहाँ पे यार अपने को अब तो ग्रीन कार्ड नहीं मिला। वैसे यार ग्रीन कार्ड काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है न्यू सर्वर में ढूंढना, क्योंकि यार सारे के सारे बंदे जो है ना गैस स्टेशन में आते रहते हैं, क्योंकि सबको ग्रीन कार्ड चाहिए और इसलिए जो है ना ग्रीन कार्ड यूजुअली मिलता नहीं है। जब सर्वर पुराना हो जाए तो ग्रीन कार्ड इजीली मिल जाता है। तो मैंने डिसाइड करा यार यहाँ पे अपने पास पाइप काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग पाइप गियर्स प्लेट्स जितने भी अपने पास वो सारे का सारा डिसमेंटल करेंगे एंड उनसे जितने भी अपने को स्पेयर्स मिलेंगे ना उनसे हम लोग रेसिपीज वगैरह लर्न कर लेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे अपन लगे कि सारे के सारे कंपोनेंट्स तो डिसमेंटल हो चुके हैं, तो चलो यार फटाफट से जो है ना हम लोग चलते हैं सीधा अपने बेस की तरफ जहाँ पे हम लोगों ने बेस बनाया था। तो यहाँ पे गाइस अपने को एक बेस दिखा, बंदा भी था अंदर, तो हम लोगों ने डिसाइड करा यार चलो इसको निकालने का ट्राई करते हैं। बट ये बंदा जो है ना यार यहाँ पे से बाहर तो नहीं निकला, वैसे डोर तो खोला था। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोगों ने छोटा सा 2x2 का बेस बना के रखा हुआ है एंड लगभग यार यहाँ पे रेड टाइम भी होने वाला है। तो क्योंकि अपन लोगों ने ना सर्वर काफ़ी ज़्यादा लेट से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे यार किसी बंदे ने मिलिट्री करने के लिए बेस बनाया हुआ था, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो सबसे पहले हम लोग इसका बेस रेड मारते हैं, क्या पता अपने को कुछ मिल जाए। क्योंकि वहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्सेस था, वैसे भी वुड का था, तो मैंने कहा यार इसको तो हम लोग इजीली बजा ही देंगे। तो चलो यार डोर को लॉक खोलता हूँ एंड अभी यार सबसे पहले तो हमें अपना कैबिनेट भी उड़ाना है, क्योंकि कैबिनेट को उड़ाने के बाद अब जो अपना बेस है ना वो अंडर प्रोटेक्शन चले जाएगा। तभी यार हम लोगों ने आधे घंटे में काफ़ी अच्छा लूट कलेक्ट कर लिया, कम से कम अपने पास 500 के करीब स्पेयर्स हो चुके हैं। 321 स्पेयर्स तो मैं लेके आया, 200 स्पेयर्स के करीब अपने टीममेट के पास थे, तो अपना वर्क बेस एडमिट हो जाएगा। बट SMG लर्न करने के लिए अपने पास उतना स्पेयर नहीं है, तो अपने को थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बट कोई नहीं गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ऐसे करते ना यहाँ पे चलते हैं एंड इसको रेड मारेंगे, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर से अपने को कुछ मिलता है। अरे बड़ा वाला बॉक्स है यार। तो फटाफट से गाइस हम लोगों ने मचेट एंड वुडन क्लब से तोड़ा, इसको देखते हैं इसके अंदर कुछ मिलता है। ओके थोड़ा सा लगता है यार बंदे ने रूम वगैरह करने के लिए रखा हुआ था एंड हमें पता चल गया था कि बंदे ने जो है ना ये मिलिट्री करने के लिए रखा हुआ है। तो उसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँचे एंड हम लोगों ने सबसे पहले तो उसका बैग तोड़ा, क्योंकि बैग को रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा क्लॉथ लगता है एंड बैग टूटे ना तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बट हम लोगों ने उसका बैग तोड़ा एंड उसके बाद यहाँ पे रेड टाइम ऑन हो गया, तो मैंने कहा यार अपने को जो है ना अपना वो तोड़ना पड़ेगा कैबिनेट। तो अपने टीममेट ने बोला भाई अपने पास हैमर बनाने के लिए तो आयरन वगैरह है नहीं, तो मैंने कहा अपना डेली का बॉम्ब निकाल, फटाफट से इसको फोड़ देंगे। तो उसके बाद यार अपना टीममेट जो है ना कैबिनेट बाहर लाया एंड मैंने जो है ना फटाफट से बॉम्ब लगाया कि बंदे को पता चल जाए कि इस बेस का कैबिनेट जो है ना वो ऑलरेडी टूट चुका है एंड कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करे इधर आके। तो ठीक है गाइस, अपने टीममेट ने जो भी काम का सामान था जैसे कि क्रूड ऑयल एंड स्पीयर्स वो निकाल दिया है एंड फटाफट से गाइस अपन लोग लगाते हैं बॉम्ब एंड फाइनली जो अपना बेस है ना गाइस यहाँ पे आ चुका है अंडर प्रोटेक्शन। अब गाइस अपना बेस कोई भी रेड नहीं कर पाएगा, तो ठीक है मज़ा आ गया। तो चलो यार अभी हम लोग अंदर चलते हैं, सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे वर्कबेंच को करता हूँ मिड। भाई सामान गिर गया थोड़ा बहुत 20%, उसको उठा के जो है ना हम लोग बॉक्सेस में रखते हैं। लेट्स गो, सारे का सारा सामान मैंने यहाँ पे बॉक्सेस में डाला। घोड़े का सामान तो अपने पास काफ़ी ज़्यादा है बट अभी अपने पे फिश मीट नहीं है, फिश मीट भी ढूंढना पड़ेगा। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोगों ने वर्कबेंच मेड किया एंड उसके बाद यार मैं निकल चुका था यहाँ पे से सीधा मिलिट्री के लिए, क्योंकि मिलिट्री में यार लूट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए यार मिलिट्री पकड़ो, मिलिट्री पकड़ोगे तो खुश रहोगे, लूट ईजी होगा आपके पास। तो गाइज उसके बाद मैं यहाँ पे मिलिट्री पहुँचा एंड यहाँ पे कुछ सप्लाई चेस्ट होती हैं वो तोड़ के देखते हैं गाइज इसके अंदर से क्या मिलेगा। ओके स्पीयर मिला एंड बैट मिला, बेड लेके चलता हूँ क्योंकि अभी बेड का अपने को ज़रूरत पड़ेगा। तो उसके बाद यार मैं फटाफट से यहाँ पे पहुँचा ग्रीन रूम पे एंड कार्ड वगैरह मिलेगा। ओके यार इस बार ही अपने को कार्ड नहीं मिला, किस्मत खराब। बट कोई नहीं गाइस, हम लोग कार्ड ढूंढने का ट्राई ज़रूर करेगा। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग फटाफट से यहाँ पे करते हैं, बाकी यहाँ पे फ्री वायर एमचेस तो मिलता है रॉकेट टावर के पास में, ऊपर चढ़ गए ना तो वहाँ पे चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर से अपने को क्या मिलेगा। तो मैं फटाफट से गाइस यहाँ पे से निकला, ब्लू कार्ड तो नहीं मिला बट यार मुझे लगता है ब्लू कार्ड अपने को मिलेगा तो मिलिट्री से मिलेगा, और तो कहीं से मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं,
क्योंकि सारे के सारे ग्रीन रूम के पास ना, जैसे कि अबेंडेंट हो गया, आइस वाला, नीचे वाला अबेंडेंट एंड न्यूक्लियर वगैरह, वहां पे तो यार हर कोई आता रहता है हर हर 5-5 सेकंड में। तो यहाँ पे मिलिट्री में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो यूजुअली इतने ज्यादा बंदे नहीं आते। गाइस तो फिर यहाँ पे पहुंचा, मुझे जो है ना एमरजेंस चाहिए था, ओके, बट वो स्नाइपर यार बहुत गंदा मारता है, तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे उस स्नाइपर को भजाया। एंड अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं फटाफट से ये कलेक्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। ओके शॉटगन, और तो कुछ नहीं मिला भाई, किस्मत खराब, शॉटगन मिला ओनली अपने को। तो चलो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा यार आर्मर वगैरह ड्रॉप्ड है, आर्मर उठाना है मेरे को। वैसे मेरे को आयरन की पैंट तो मिली है एक, जहां से भी मिली ठीक है, बट चलते हैं। उसके बाद यार यहाँ पे मैं पहुंचा, मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से हम लोग कंपोनेंट डिसमेटल करते हैं। यहाँ पे मेरे को फ्री का क्लॉथ मिला, वैसे अपने पास मैट वगैरह काफी ज्यादा है, तो मैंने डिसाइड करा यार सारे का सारा मैट जो है ना मैं यहाँ पे डिसमेटल करता हूँ, और कुछ कंपोनेंट्स भी है वो भी डिसमेंटल कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे मिलिट्री से आया एंड अपने पास स्पीयर तो ठीक ठाक हो चुका है, आई होप SMG का रेसिपी तो रन हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड करा चलो फटाफट से मैं ड्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ। एंड मैंने अपने टीममेट से पूछा, भाई तेरे पास ड्राफ्टिंग टेबल है? तो उन्होंने कहा हाँ भाई मेरे को जो है ना ड्राफ्टिंग टेबल मिल चुकी है। तो मैंने कहा फटाफट से ड्राफ्टिंग टेबल बना, SMG का रेसिपी लर्न करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मेरे को स्प्रिट मॉन्स्टर्स वगैरह को मारना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लगाया, यहाँ पे मैंने स्पीयर ड्रॉप करा अपने टीममेट के लिए, अपना टीममेट स्पीयर्स वगैरह उठाकर SMG का रेसिपी ड्राफ्ट कर लेगा। वैसे यार रेड डॉट मेरे को मिला नहीं था, तो मैंने डिसाइड करा 500 सल्फर पे कोई बंदा रेड डॉट बेच रहा है, तो मैंने 2 ID से सल्फर कनेक्ट किया, 400 हो गया था, 400 अपने में मेल्टेड हो गया था। तो मैंने फटाक से यार यहाँ पे रेड डॉट बाय किया एंड उसे जो है ना सेफ में डाला। एंड अभी जो है ना आप लोग चलते हैं फटाफट से, ठीक है। वैसे इस बेस को यार अपन लोग रेड तो कर सकते हैं, बट यार अभी अपने पास हैंडमेड्स वगैरह तो है नहीं, तो अभी तो रेड करना से तो भूल जाओ इसको। तो उसके बाद यार मैं फटाफट से अपने बेस पहुंचा एंड मैंने जो है ना यहाँ पे डिसाइड किया कि हम लोग रेड डॉट का रेसिपी ड्राफ्ट करें, बट अपने पास यार रेड डॉट का रेसिपी ड्राफ्ट करने के लिए स्पीयर नहीं था। ओके है मेरे पास कुछ बाउंडेड स्पीयर है एंड उतने में से तो बात बनी जाएगा। तो मैंने गाइस यहाँ पे फटाफट से रेड डॉट का रेसिपी ड्राफ्ट करने के लिए लगाया, वो अपना टीममेट उठा लेगा। तो उसके बाद यार यहाँ पे से मैं निकल ही रहा था, यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने कहा तेरे को बजाऊं बे, रुक जा, ऐसा बुलेट से लगी नहीं, भाग गया, रुक जा, चक्को ऐसे मारना पड़ेगा। ओ भाई रुक जा भाई, अरे ये तो रुकने को तैयार ही नहीं है, ऐसा भाग रहा है जैसे पता नहीं क्या सीन हो क्या होगा। चलो कोई नहीं गाइस, अभी जो है ना हम लोग इसके पीछे पीछे भागते हैं, इसको मारेंगे। ओ भाई किधर भाग रहा, अरे भाई ये तो अंदर भाग गया, ले बेटे खा एक फटका। अरे यार वो अंदर भाग गया यार, कोई नहीं, चलो कोई नहीं गाइस, अपन लोग जो है ना चलते हैं। तो उसके बाद यार मैं फटाफट से यहाँ पे पहुंचा मिलिट्री एंड मैंने कहा पहले तो अपन लोग इनको मार नहीं पाए एंड अभी जो है ना अपन लोग इनको मार के इजीली अपने के लिए स्पीयर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है एक गया, अभी दूसरा बचा हुआ है, दूसरे को बजाता हूं। आने दो उसको पास, क्लोज रहेगा ना तो इतना ज्यादा दिक्कत होगा नहीं अपने को। ठीक है लगा उसको काफी ज्यादा बुलेट्स। अब मैं सोच रहा हूँ गाइस फोर फिंगर यार काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इवन बढ़िया होता है, बट मैंने डिसाइड करा आपसे जो है ना मैं 2 थंब ही खेलूंगा, कोई नहीं कुटेंगे, बट अब रिलैक्स होकर खेलना में मजा आता है यार। चलो गाइस अभी जो है ना, वैसे मेरा प्लान है यार मैं जो है ना आपको दिखाऊंगा जरूर, मेरे पास 2-3 IDs है अपने टीममेट की, एक में तो टैलेंट ठीक ठाक है, एक में नॉर्मल है, एक जो मेरी वाली ID है उसमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। तो मैं आपको गाइस हर एक आईडी का ना डैमेज वगैरह दिखाऊंगा कि किसमें कितना डैमेज आ रहा है, ठीक है। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाफट से ग्रीन रूम करते हैं, यहाँ पे से मेरे को ब्लू कार्ड मिल गया है। अगर आप लोगों को चाहिए कि हाँ भाई बताओ कि हर आईडी से डैमेज कितना कितना आता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगा वो वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ठीक है। तो जितना भी है अपने पास कोई भी ऐसी आईडी नहीं है जिसका मैक्स टैलेंट हो, बट ठीक ठाक है, मतलब नॉर्मल टैलेंट है, अराउंड 23 लेवल तक अनलॉक है। तो चलो यार उसके बाद मैं यहाँ पे पहुँचा एंड मेरे को इस बारी जो है ना मिलिट्री में ब्लू एंड पर्पल दोनों कार्ड मिल चुके हैं,
एंड पर्पल कार्ड जो है ना उसको मैं फटाफट से डालता हूँ सेफ में, और उसके बाद यार हम लोग निकलते हैं। अभी पर्पल रूम करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे लूट तो होगा बट अभी अपने को पर्पल रूम पे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे एक दिन पूरे कंप्लीट होगा ना तब जाके अपने को AR मिलता है। तो अभी देखते हैं, चलो चलते हैं फटाफट से। अपन लोग किधर, यहाँ पे ऊपर आया था बट वहाँ पे जो है ना गाइस एमो चेस्ट नहीं था, तो मैंने कहा यार चलो ये मारता हूँ कंपनी उठा ले ज़ॉम्बीज से, देखते क्या मिलेगा इस बार ही। ना ये भी और गाइस अपने को काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स दिया, मतलब मज़ा आ गया यार इतने सारे कंपोनेंट्स, आई लाइक इट। उसके बाद यार यहाँ पे हम लोग जा रहे थे थोड़ा अबेंडेंट की तरफ, क्योंकि फ्यूल वगैरह अपने को मेल्ट करना था। और यहाँ पे मेरे को बंदा दिखा, भाई लगता है ये किसी इस बंदे का बेस वगैरह रेड कर रहा है। मैंने कहा यार बेस वगैरह रेड कैसे करोगे, बट यहाँ पे यार इस बंदे का उजी नहीं गिरा यार, इसके पास उजी था, उजी गिर जाता रहा यार मज़ा आता। तो जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा मैं देख रहा था तो यहाँ पे बंदे ने सीलिंग तोड़ा, मैं ऐसे समझ गया भाई ये बंदे का तो बेस है। तो यहाँ पे मैं इसको मारने का ट्राई किया, एक दो बुलेट लगा बट उसका 2-3 बुलेट मेरे में ज़्यादा कनेक्ट हुआ। भाई इतने दूर तक क्या ही गजब तरीके से यार वो बंदे ने उजी मारा, इतने दूर यार मेरा उजी तो कभी लगता नहीं है इतने दूर, बट उसका कैसा लग गया, बट कोई नहीं गाइस चलो चलता है, होता है कभी कभार। उसके बाद यार मैं फटाफट से यहाँ पे पहुँचा एंड मैंने कहा यार फटाफट से वुड की फाउंडेशन लगा मेरे को रिवाइव कर, पेसमेकर था मेरे पास, मैं ये बट यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, कभी इम्पोर्टेंट काम आ जाएगा ना वहाँ पे गाइस हम लोग पेसमेकर यूज़ करेंगे। तो मुझे लग रहा था बंदा डेफिनेटली आएगा, एंड बंदे ने यार क्या करा अपने टीममेट को बुलाया, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले तो मैं अपना 4 फिंगर करता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने फटाफट से अपने कंट्रोल वगैरह चेंज किए, क्योंकि थोड़ा सा यार अनकम्फर्टेबल फील होता है 2 थंब में। चलो अब निकलेगा, अंदर घुस गया भाई, अब आ जाना, अब आ जाऊंगा तेरे को। तो यार वो बंदा जो है ना अपने घर से बाहर निकला, घोड़े में बैठा एंड पता नहीं किधर भागने लगा। मैंने कहा ये डेफिनेटली घोड़े से आएगा अपने पीछे, देखो जा रहा है, उसे मारूंगा तो डैमेज जाएगा, डैमेज नहीं जा रहा। और इन लोगों 34 का हेड लगा गाइस उसको, उड़ के भागने लगा वो। तो जैसी गाइस यहाँ पे उसका टीममेट आया ना, सबसे पहले तो मैंने उसका टीममेट को बजाया, अच्छा वो इसीलिए भाग रहा था वहाँ पे, गया दोनों गए। चलो भाई इसको पूरा फिनिश किया, तो ठीक है गाइस अभी हम लोगों ने दोनों को मारा एंड यहाँ पे अभी भी उसका उजी नहीं गिरा। तो उसके बाद यार हम लोग फटाफट से पहुँचे अबेंडेंट में एंड हम लोगों ने यार सबसे पहले तो करेंगे अपना तेल को मेल्ट, क्योंकि तेल नहीं है अपने पास। तो चलो चलते हैं, यहाँ पे सप्लाई चेस्ट है उसे तोड़ लेते हैं, एटलीस्ट लेवल अप तो होगा अपना। मतलब यार एक्चुअली मैं 200 घंटे के बाद जो बंदा जाएगा ना ऑफिशियल में, यार वो ना लिटरली गाइस मैं बता रहा हूँ जो पुराने बंदे ना उनको तो मार ही नहीं पाएगा, जो आज आपके टैलेंट सिस्टम है ना उसके हिसाब से लिटरली बता रहा हूँ मैं, 200 घंटे के बाद वाला बंदा जो है ना वो मार ही नहीं पाएगा किसी बंदे को जिसके टैलेंट मैक्स है। वो कैसे गाइस, एक आइडिया ना स्टील आर्मर में लिटरली मैं बता रहा हूँ 120 का हेड पड़ता है नॉर्म, मतलब ठीक ठाक टैलेंट है उसमें, और जो मेरा आईडी है ना उसमें अराउंड 78 का समथिंग का हेड पड़ता है। अब आप लोग बता सकते हैं यार 2-3 बुलेट्स में बंदा नॉक होता है आजकल के टैलेंट में। तो यार यहाँ पे हमने फ्यूल वगैरह मेल्ट किया एंड आगे से जो है ना मेरे को आवाज़ आने लगी कि थोड़ा सा फाइट वगैरह चल रहा है, एंड मैंने कहा अपने टीममेट से चला जा भाई बंदे को मार के आते हैं। एंड इजीली यार काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है ना आजकल के पुराने बंदे ग्लोबल के खेल रहे हैं मैक्सिमम बंदे यार। तो ओके बंदा दिखा भाग रहा था, चलो चलते हैं यार मार के आते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अरे अंदर भागा बंदा, ठीक है हाँ मेरे को दिखा तो सही वो अंदर तो गया है, बट लेट्स सी, मुझे लग रहा है वो डेफिनेटली ऊपर आएगा। ओके वो बंदा था मेरे को दिखा बट वो जो है ना इधर आ गया। ओके ये रहा बंदा, भाई एम करते ही कचरा हो रखा। ये रहा देखो बंदा नॉक हुआ, बंदे ने एकदम से पेस मेकर यूज करा। हाँ भाई इधर बंदे ने पेस मेकर यूज कर दिया भाई अपने को मारने के लिए, बट मुझे पता चल गया था बंदे ने पेस मेकर यूज किया एंड बैनर जो है ना उसको बजा दिया। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने बंदे को मारा एंड अपने पास लगभग फ्यूल वगैरह तो हो गया, वो मैंने फ्यूल सबसे पहले सेफ में डाला, मैंने कहा SMG जाए बट फ्यूल ना जाए,
क्योंकि यार फ्यूल फार्म करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्रूड ऑयल, एंड मेरा मन अभी है नहीं क्रूड ऑयल जाने का। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाफट से। बट बेस जाने से पहले मैंने डिसाइड करा कि यहाँ पे हम लोग ग्रीन रूम चेकआउट कर लेते हैं, अगर पर ब्लू कार्ड हुआ तो हम लोग ग्रीन रूम कर लेंगे। बट यहाँ पे तो लूट ही नहीं है, तो यहाँ पे रुक के तो कोई फायदा नहीं है। तो चलो यार अभी जो है ना हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने बेस में। उसके बाद यार हम लोग बेस पहुँचे एंड यहाँ पे अपने को थोड़ा सा फिश मीट कलेक्ट कर रहा था एंड अपने पास नेट वगैरह था नहीं, तो हम लोगों ने गाइस एक दिमाग लगाया। तो अपने टीममेट ने बोला चलो भाई लेक पे चलते हैं, वहाँ पे हम लोग फिश मार के फिश मीट कलेक्ट करेंगे। तो सबसे बेटर जो है ना गाइस याली लेके एंड यहाँ पे बैठो एंड कुछ इस तरीके से आप लोग फिश मारते रहो। अभी तक तो मेरे को कोई भी यहाँ पे फिश वगैरह नहीं दिखी। अबे भाई फिश है भी या नहीं है? तो आगे गाइस फिश, तो हम लोग आगे चलते हैं एंड आगे हम लोग फिश मारने का ट्राई करेंगे। ये रही, चल बेटे निकाल। एंड यहाँ पे जो है ना यूजरी आपको फिश लगभग एक मिनट देती है, कभी कभार दो तीन भी मिल जाता है। तीन तक मैंने उठाया है यहाँ पे से। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फिश मीट वगैरह कलेक्ट करते रहे एंड एक घोड़ा का एडवांस फूड बनाने के लिए लगभग अपने को 20 फिश मीट चाहिए होता है, समथिंग। हाँ, उसमें 20 फिश मीट में 10 एडवांस फूड बनता है, ठीक है। तो अपने को कम से कम 20 फिश मीट चाहिए। तो फटाफट से यार हम लोग यहाँ पे फिश मीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग अपने के लिए पेट वगैरह पकड़ेंगे। तो चलो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मन करे तो यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूँ गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहे यार, मुझे तो लगता नहीं है ये मैं सर्वर पूरा खेल पाऊंगा एंड मैं जो है ना दो तीन दिन बाद एक नया सर्वर स्टार्ट करूंगा एंड उसको ही जो है ना हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लिटरली एक ये पहला सर्वर है जो मैं दो दिन में छोड़ूंगा। तो चलो गाइज मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड सी यू।